गाइस कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ बेसन की फुल्कियाँ। बेसन मैंने थोड़ा सा लिया, उसमें थोड़ा सा मैंने नमक और मीठा थोड़ा सोडा ऐड किया और ये मैं घी में फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल, अब मैं इसमें पानी में डालूँगी। ये देखें फुल्कियाँ हमने पानी में ऐड कर ली हैं। ये देखें तो पानी में ज़्यादा फूल जाएंगी। ये देखें मैंने थोड़ा सा प्याज लिया है, इसको मैंने ग्रेवी कट काट लिया है। दो सब मिर्चे लिए हैं। अब मैं टमाटर काट रही हूँ, छोटे छोटे इसको काट लेना है, चॉप कर लेना है। इस तरह से आप छोटा छोटा काट लेंगे। दही को अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया है, ये मैंने एक बाउल में ले लिया है दही। ये देखें थोड़ा सा आप पानी भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया है, इतना सा मैं नमक ऐड करूँगी। थोड़ा सा ब्लैक पेपर इतना सा मैंने ऐड किया है। ज़ीरा मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अब मैं इसमें जो अनियन था, टमाटोज थे और ग्रीन चिली थी वो मैंने मिक्स कर लिया है। ये देखें अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स किया। मैं इसको ऐड कर रही हूँ। ये देखें दही भल्ले हमारे रेडी हो रहे हैं। आप चाहें तो इसमें खीरे भी डाल सकते हैं, वो भी इसी तरह से ग्रेवी काटेंगे इसमें ऐड कर लेंगे। इसमें आप पोटैटोस भी बॉयल करके डाल सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह से हमारे रेडी हो गए हैं दही भल्ले, कितने कलरफुल से। इसको आप राइस के साथ भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ बिरयानी बनी है तो इसलिए मैं उसके साथ लूँगी। प्लीज़ आप ये शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ में आपको मैं एक बिरयानी भी दिखाती हूँ। क्यों लगाया हुआ था ये देखिए, माशाल्लाह से कितनी अच्छी स्टीम निकल रही है। आप ये देख सकते हैं कितनी अच्छी लुक आई है इसकी। राइस के साथ, बिरयानी के साथ मैंने जो दही रायता तैयार किया है, ये कितना यमी यमी सा लग रहा है। अब मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाऊंगी। ये देखें दही रायता हमारा तैयार है। चलिए जी, अब मैं आपको चावलों के साथ खा के बताती हूँ कि हमारा रायता कैसा बना है। मज़ेदार, बड़ा मज़ा आ रहा है। आप प्लीज़ इस गर्मियों के मौसम में ट्राई करेगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अल्लाह हाफिज़।